इस खबर के सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि ललितपुर जिले में आज जिला उद्योग व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन ललितपुर जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें उन्होंने मांग की है कि सप्ताह में 6 दिन दुकानें खोला जाए, जिससे कि यहां के व्यापारी अपना व्यापार सही ढंग से कर सके और अपना गुजर बसर चला सके। ज्ञापन तिथि समय उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को मिटाने के आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह काफ़ी सराहनीय है, लेकिन से 4 महीनों में व्यापारिक गतिविधियां बंद होने के कारण व्यापारियों की स्थिति बिगड़ गई है। व्यापारियों का आर्थिक नुकसान हुआ है। अभी प्रदेश के सभी जनपदों में शनिवार और रविवार को बाजार बंदी का आदेश दिया गया है। यह सरकार एवं व्यापारी दोनों के हित के लिए यह उचित नहीं है। सप्ताह में कम से कम 6 दिन बाजार अवश्य खुलने चाहिए और 1 दिन साप्ताहिक बंदी होनी चाहिए। ऐसा होने से सरकार को राजस्व ज्यादा मिलेगा और व्यापारी एवं आम जनता खुश रहेगी। इस दौरान जिला उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष सुरेश जैन बडेरा, जिला महामंत्री शैलेंद्र, संयुक्त व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। तो वहीं लॉकडाउन को लेकर ललितपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष का क्या है कहना, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायकवार की रिपोर्ट। देखिए बताइए, आज किस संबंध में आपने जिला अध्यक्ष सुरेश बडेरा जिला उद्योग व्यापार मंडल के हिसाब से आज ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी जो कोरोना प्रोजेक्ट चल रही है, जांच चल रही है, इसको 5-6 महीने से हमारी व्यापारियों की दुकानें बंद हैं। सारा व्यापारी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अभी योगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन कर दिया है। हमारी मांग ये है कि अब सारे मॉल खुल गई हैं, सारे जिम खुल गई हैं, सारे काम काज शुरू हो चुके हैं, तो अकेले व्यापारियों से कोई कहीं कोरोना नहीं फैलता है। हमारी मांग जो है कि हफ्ते में 1 दिन ही बंदी की जाए, 2 दिन के अलावा 1 दिन बंदी की जाए, जो शनिवार इतवार को होती थी, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये भी है जिलाधिकारी महोदय से, जो आजकल कोरोना की जाँच मोहल्ले मोहल्ले में हो रही है, वार्ड बाई वार्ड करवा रहे हैं, ये सराहनीय है, हम उनका सम्मान करते हैं प्रशासन का। लेकिन कई व्यक्तियों की जाँच ऐसी आ रही है जो उनके पास ना कोई लक्षण है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई समस्या है। उनके अभाव में जो 70 साल के व्यक्ति हैं, उनको वो कहते नहीं, आप ताल बढ़ जाइए, आप झांसी जाइए। हमारी मांग ये है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको कहीं ना जाइए, उनको होम ट्रेन करना चाहिए। और अगर व्यक्ति की उम्र कम भी है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी मानक के अनुसार उसकी ऑक्सीजन, पल्स, बुखार, टेम्परेचर मानक कम है, तो उसको आप बाहर भेजें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो और जो आजकल जांच हो रही है कोरोना की असंख्या में, वो वहां पर ऐसे लोग जांच कर रहे हैं जिनको कोई अनुभव नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, जबकि नाक कान डॉक्टर के लोग घर बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। उनके द्वारा अनुभवशील जिनको अनुभव हो, उनके द्वारा जाँच कराई जाए। इससे हमारे ये जनता में भ्रम फैल रहा है। कई लोगों की जाँच ऐसी आ चुकी है जिनके कोई सिस्टम नहीं दिख रहे हैं, ना बुखार है, ना खांसी है, ना जुकाम है। तो हमारी मांग ये भी है जिला प्रशासन से, उस पर गौर किया जाए और अनुभवी लोगों से कोरोना की जांच कराई जाए।